मुझे ये सुहाना अवसर आर्टिस्ट के साथ मिलना और उनकी आर्ट देखने का अवसर मुझे जसपाल जी, मनमोहन जी जसपाल जी से मिला है, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यमान समझती हूँ कि इन सब बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आज मुझे इंटरव्यू देने का अवसर भी मिल रहा है। और शहनाज जी हमारे बीजेपी से अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी, और मैं भी भाजपा जैन प्रकोष्ठ की एक्स वाइस चेयरमैन रह चुकी हूँ आज। और हाँ, यहाँ का आज जो ये कलाकृति का माहौल है, ये हमको बहुत ही मनमोहक, मन को भा रहा है, और हमारे मनमोहक कि उजाले से हम उभर के बाहर आ रहे हैं कि अपने को एक पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है। आर्टिस्ट को देखते तो पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप अपने में जागृत हो जाती है, और इसके लिए मैं आज के सभी आर्टिस्ट को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना और अपने देश को उजागर करिए। इसी शुभकामना के साथ मैं लीना चोपड़ा, जय जिनेन्द्र, ओम हर। मनमोहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इस भव्य कलाकृति का आयोजन किया हुआ है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि हर साल आप करते हैं और इस बार भी आपने कला कलर्स ऑफ स्प्रिंग का आयोजन किया है। ये मेरा 20वां ग्रुप एग्जीबिशन है कलर ऑफ स्प्रिंग बोल के, और तो इसमें देश भर से, देश के बाहर से भी काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं और सबने अच्छा काम किया है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आगे भी हम करते रहेंगे, और हमारा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग का भी प्लानिंग है, तो वो भी हम करते रहेंगे। तो मेरा 13 साल हो गए मुझे आर्टिस्ट। इस बार कितने आर्टिस्ट जो है पार्टिसिपेट किए हैं? इस बार 28 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडिया से और बाहर से। इसमें कुछ मास्टर वर्क भी हैं, कुछ अपकमिंग भी हैं, और हमारा एक फैमिली जैसा है। 5-7 आर्टिस्ट मेरे हर शो में होते हैं, आप लोग देखते ही हैं। कलाकारों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से आपके एग्जीबिशन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं? लोग अपने कला में ही थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, हम उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमी कैंपस में तो वही पढ़ाई सबको पढ़ाई जाती है। फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना एक वे ऑफ डिपिक्शन, एक अपना काम करने का अंदाज़, एक स्टाइल डेवलप करना होता है, तो वो करना चाहिए और जेन्यून बायर डीलर से कनेक्टेड रहना चाहिए। जी, ये जसपाल सर ने जो इतना अच्छा उन्होंने रखा है, आज मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आई और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और ये इतना अच्छा माहौल बना है और हमारे देश के लोगों को आगे लेके जाने का बहुत अच्छा आर्ट है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पिछली बार भी आपने पार्टिसिपेट किया था, कैसा लगा, और इस बार का कैसा आपका अनुभव? मैं सर सैयद जुबैद, मैं यहाँ मुंबई से ही हूँ और सर के साथ मैं काफ़ी साल से हूँ, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, जिसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं, और काफ़ी जेन्युइन आर्टिस्ट भी है और फॉरेन से आए हुए भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। तो इस बार भी बहुत अच्छा, मतलब इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और शायद आगे उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल हम ये लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ये लोग भी आए और ये ज्वाइन किए हमारे साथ, और आगे फिर इसके साथ और ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे अपनी तरीके से, जिस तरीके से कर सकते हैं हम बेस्ट प्रेजेंटेशन अपना रखेंगे। और थैंक यू। और मैं जसपाल भाई के बारे में एक बार बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी शहनाज नर्सरी जसपाल भाई के साथ जुड़ी है, और जब भी उनका कोई प्रोग्राम होगा शहनाज नर्सरी की तरफ से वो प्लांट उनको दिए जाएंगे और उनका स्वागत होगा। थैंक यू। जय माता। पर्यावरण के दृष्टि से, चाहे हर दृष्टि से, वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि बुके हमारे उपयोग में नहीं आता, मगर हम किसी को तुलसी का पौधा या मनी प्लांट देते हैं तो हमेशा रहता है, याद रहता है कि हमको ये वहाँ से मिला था, और वो ग्रो होता है तो न्यूज़ होता है, और वो हर एक आयुर्वेदिक चीज़ों से भी हमसे जुड़ा है, लोगों का विश्वास है। मुंबई से ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय मनमोहन जायसवाल जी द्वारा आयोजित यह कला प्रदर्शनी, जिसमें एक से एक अद्भुत कलाकृतियां, पेंटिंग्स और इतने विभिन्न तरीक़ों से यहां पर प्रदर्शित की जा रही हैं, इतने सिद्धहस्त चित्रकार, फनकार, कलाकार, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ख़ास तौर पर मैं मनमोहन जायसवाल साहब का इसलिए भी धन्यवाद उनको देना चाहूँगा कि इस साहित्यिक धरोहर के वो संरक्षक हैं। इस शहर में
इस तरह का शौक बहुत कम लोग रखते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 4-6-10 गाड़ियाँ रख लेना बड़ा आसान है, लेकिन किसी अच्छे सिद्धहस्त पेंटर की, कलाकार की, शिल्पकार की, फनकार की, उसकी कृति, उसकी पेंटिंग संभाल के जीवन भर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा मौका है। मुझे यहाँ इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भीड़ भाड़ से अलग यहाँ जितने भी महान भाव मेरी बहनें बेटियाँ जो पधारी हैं, ये कला से स्नेह रखने वाली हैं, कला के साथ जुड़ने वाली हैं, और मुझे विश्वास है कि इस तरह की प्रदर्शनी जो जायसवाल साहब के संरक्षण में यहाँ लगी हुई है, ऐसी प्रदर्शनियों से विश्वास मानिए कि समाज में आत्मीयता, स्नेह, यकजहती, प्रेम बिल्कुल बढ़ता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं यहाँ आकर धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, आप सबका आभारी हूँ, शायर हूँ, दिन रात शायरी करता रहता हूँ। मैं सिर्फ एक शेर से यहाँ के माहौल की बात कह के जा रहा हूँ कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। बहुत बड़े फनकार आप लोग हैं, और ये मेरे फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियंस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे, शुक्रिया। एग्जीबिशन को लेके और मनमोहन जायसवाल द्वारा आयोजित किया गया है, तो कैसे आप इसे देखते हैं, और आपकी खुद की पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो क्या मैसेज होती है आपकी पेंटिंग? मैं फर्स्ट टाइम मनमोहन जी के साथ में काम कर रही हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ अच्छा इसमें से निकल के आए, एंड या माई पेंटिंग्स आर अबाउट डीप मैसेजेस। यहाँ पर जो पीकॉक जो है वो फैशन के राजा कहलाए जाते हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और इसके ऊपर 4 एरा की फैशन है, इट्स अ रैम्प, सो मॉडल्स इसके ऊपर है। आज के एग्जीबिशन को लेके क्या कहना चाहेंगे सभी आर्टिस्ट को? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और बस सबकी पेंटिंग बिक जाए, उससे बढ़िया मैसेज कुछ नहीं हो सकता है। पेंटिंग यहाँ पे लगा है, इस तरीके से मैसेज दे रहा है, और एग्जीबिशन को लेके क्या कहना चाहती हैं मनमोहन जायसवाल द्वारा आयोजित किया? जी, ये एग्जीबिशन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल है, और यहाँ पर काफ़ी सारे दिग्गज आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी हुई है। जैसे हम देख रहे हैं मेरी मॉम है अर्चना महतपुरकर, वो भी इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रही है। सो यहाँ पर हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉम यहाँ पर काफ़ी सारा आर्ट करती है, एंड शी इज़ सेल्फ टॉट। तो दिस इज़ जैसे मौली के गणपति इन्होंने बनाए हैं, ये सारे आइडियाज़ उनके खुद के ही हैं, और यहाँ पर भी जैसे बीट्स आर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये पीपल के पत्तों को यूज़ करके उन्होंने बनाया है। सो ये पूरा क्रिएटिव आर्ट, और यहाँ पर जैसे कि नेल एंड थ्रेड आर्ट, ये भी काफ़ी आजकल बहुत पॉपुलर है। सो इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज एक एक कीले को सेम डिस्टेंस पर मतलब ठोक करके, उसको पेंट करके, ग्लिटर्स लगा के, फिर थ्रेड के साथ ये आर्ट बना है। सो सिमिलरली ये जो एक लक्ष्मी जी का वाहन है जैसे आप लोग देख सकते हैं, सो उसके लिए भी काफ़ी मेहनत है, एंड एक एक जो डिस्टेंस है वो बहुत उसमें जी। सो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो पहली बार आई थिंक मम्मी बाहर आई हैं विद हर आर्ट, सो आई कैन आस्क हर, वो भी कुछ अपने एक्सप्रेस करेंगी अपने विचार इस एग्जीबिशन के बारे में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरह से लगाया है मैंने एग्जीबिशन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब अपनी कला सबको पता चल रही है, उसका खुशी है कि सब लोग देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने आयोजित किया है? हाँ, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि लगाना चाहिए एग्जीबिशन, आइए आप, तो उन्हीं की वजह से वो हुआ है मेरा। मेरा नाम नीता वर्मा है, मैं करीब इस क्षेत्र में 10 से 12 साल से हूँ, मैं मिथिला मधुबनी पे काम करती हूँ, ये दो काम मेरे हैं। मैंने कोबर और डोली पे काम किया है, ये जो कोबर है हमारे मिथिला साइड में शादी के वक्त में दूल्हे और दुल्हन के घर में बनाया जाता है,
और ये जो कवर मैंने बनाया है वो दूल्हे के साइड से बनाया है। वो एक कमरे में बनाया जाता है जहाँ पे लोगों का लोग पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे ये कवर बनाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन आके आफ्टर विदाई वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे वो गणेश की आके पूजा करते हैं, शिव पार्वती की, और काफ़ी ऑस्पिशियस एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैं यहाँ पे मनमोहन जायसवाल जी के कला आकृति फाउंडेशन में मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक आर्टिस्ट हूँ, ये दो मेरे आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जिबिट किए हैं। ये जो है ये देवी के ऊपर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो शोलापीठ दुर्गा, जो कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता से लिया गया है इसका इंस्पिरेशन। ये पूरी के जो तीन देव हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, जो तीन भाई बहन हैं, ये उनके ऊपर है। इसकी पूरी डिटेलिंग में मंदिर के अलग अलग एलिमेंट्स डाले गए हैं। ये तो हो गई मेरे आर्टवर्क की बात। मैं यहाँ पे मनमोहन जी के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी। उनका जो प्रोत्साहन है आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के आर्टवर्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट है कि सारे लोगों को एक साथ लाने का और जेन्युइन लोगों से मिलाने का, वो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब भी मुझे याद करते हैं, मैं बाकायदा भोपाल से आता हूँ या उनके साथ सम्मिलित होता हूँ, कि वो उनका जो स्नेह है और उनका कला के प्रति जो उसका समर्पण है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और इस बार जो मैं पेंटिंग लाया हूँ, चार पेंटिंग मैंने रखी है, ये चारों पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो एक जो पेंटिंग है उसका शीर्षक है स्माइल प्लीज। पुराने ज़माने में जब स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाते थे, 5 से 6 मिनट तक स्माइल देना पड़ता था, तो उस स्माइल देने में जो स्थिति होती थी उसको स्थिति का मैंने वर्णन किया है। इसका शीर्षक है बस यात्रा। इस बस यात्रा में मैंने बताया कि जो एक महिला सीट होती है, पिछला जो टायर होता है उसके ऊपर महिला सीट होती है, जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा लगते हैं, तो वाइब्रेशन के तहत महिला कैसे बस की यात्रा करती है, बस की स्थिति भी आप देख रहे हैं। इसमें ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया। ये तीर्थ यात्रा, ये अलग अलग धर्म की तीर्थ यात्रा है। और एक पेंटिंग है, ये है चार्ली चैपलिन। ये चार्ली चैपलिन उसकी फिल्में बनाई है, ये मैंने ब्लैक इंक से बनाई है पेंटिंग। और इसके अलावा मैं कला के ऊपर मैं लेखने का काम भी करता हूँ, मैं कोटेशन लिखता हूँ, मेरी एक पुस्तक भी निकली है 500 कला कोटेशन, तो बहुत जल्दी वो दर्शकों के हाथ में आएगी। धन्यवाद। स्वागतम। यानी जो आप गीली मिट्टी पर जो पेड़ रखते हैं, तो उसका इंप्रेशन मैंने लकड़ी के ऊपर लिया है, इसके मैंने कार्विंग करी है। और आखिरी का पेड़ मैंने आधा इसलिए बनाया है कि इससे ऐसा लगे कि पूरा पेड़ जो पूरा अनंत है, अब इसकी कोई गिनती नहीं है, क्यों प्रकृति की कोई गिनती है। वह आदमी जब प्रकृति करने लगता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसकी कोई गिनती नहीं होती, वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसका छोटा सा विषय है बढ़ते कदम। धन्यवाद सर आपका। फिर आयोजित किया गया और फिर आपने पार्टिसिपेट किया, कैसे? मैं थैंक यू बोलूँगी मनमोहन सर को, कि इस बार फिर से उन्होंने हम लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया एंड एक फिर से चांस दिया हमारे लिए, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया, हम अपनी भावनाओं को, अपनी कलाकृतियों को इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सो दिस इज़ द परफेक्ट। मेरा नाम पूनम सैनी है और बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। रिसेंटली 2 साल से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया है एंड ये सारी मेरी पेंटिंग्स नेचर के लिए हैं। नेचर लाइक आप वास्तु से रिलेटेड, आप अपने घर में जब अपना ब्लॉसम, एब्स्ट्रैक्ट ये सब लगाते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है एंड सब नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। थैंक यू। यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाए हैं एक्रेलिक में बनाई है कैनवास पे, और श्री कृष्ण जी और राधा रानी के पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं, और श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं और उसमें मग्न राधा रानी मैंने चित्रित किया है, और पूरा नेचर को उनके साथ में है। ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे खिले हुए कमल दिखाए हैं और बादलों के बीच में चंद्रमा दिखाया है। तो उनके जीवन में जैसे रंग है, वैसे रंग मैं अपने कैनवास पे उतारना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने पूरे रंगों में कैनवास में चित्रित किया है। और यहाँ पे भी मैंने बांसुरी में मग्न श्री कृष्ण दिखाए हैं, और पूरे कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे कि उनके जीवन में जैसे आनंद है, उल्लास है, प्रसन्नता है, मैं वो आनंद अपने कैनवास में दिखाना चाहती हूँ। और ये मेरा 3rd एग्जिबिशन है मनमोहन जी के साथ, वो बहुत न्यू आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। लास्ट एग्जिबिशन में मेरे पूरे पेंटिंग्स उनके यहाँ पे सेल हो गए हैं, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ।
और वो अच्छी तरह से कलाकारों को डिस्प्ले करते हैं, सो थैंकफुल टू हिम, थैंक यू। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं रणथंबोर से आया हूँ। रणथंबोर राजस्थान में सबसे फेमस जगह है, पूरे वर्ल्ड में ही है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरा वाइल्ड लाइफ का पेंटिंग है, मैं चार पेंटिंग लेके आया हूँ। ये ऑयल ऑन कैनवस, ये सब टाइगर के लेपर्ड के ऊपर ही है, सारा वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। ये मेरा फर्स्ट वाला जो पेंटिंग है, ये एक जो कपल होता है, लवली कपल वो है, क्योंकि इंसानों में भी और जानवरों में भी इतना ही प्यार होता है। ये मेरा सेकंड वाला पेंटिंग है, लेपर्ड है, तो ब्लैक एंड वाइट मैंने पेंट किया है, ये भी सुंदर है अभी। और ये मेरा क्लोजअप फेस है, एक किंग मतलब जो राजा होता है, तो उस टाइप का ही एक क्लोजअप मेरा, ये भी ऑयल ऑन कैनवस है। और मेरा ये दूसरा वाला, चौथा वाला पेंटिंग है, ये टू ब्रदर्स है, इनमें भी अपने जैसे इंसानों में भाई होते हैं, तो अपने तो ये भी अपने दोनों भाई हैं। सर मेरा यस बिल्कुल सर, मेरा अभी फर्स्ट मेरा पहला एग्जीबिशन है ये, इससे पहले मैंने कभी एग्जीबिशन नहीं किया, तो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है, मनमोहन जी ने ही मेरे को प्रमोट किया, थैंक यू। And I'm very lucky that I'm participating here in this event. और यहाँ पे मैंने अपनी आर्ट का एग्जिबिट एग्जीबिशन किया है। This is my painting. It's called Nature vs Civilization. So मेरी जो भी थीम रहती है वो नेचर के ऊपर रहती है। I love animals, nature, greenery. तो एक तरफ ये पूरा नेचर है, लेकिन एक तरफ ये बैरन ज़मीन है, और आप देख सकते हैं कि the trees have a soul which is bleeding. तो basically हमने इतना civilization कर लिया है, roads, buildings and everything is golden and पूरी चमक है, बट अंदर ही अंदर जो नेचर की आत्मा है वो रो रही है, बिकॉज वी डोंट हैव द क्लियर स्काई, ग्रास, और डेजर्ट में मतलब हमारे जो मोर हैं वो भी बेचारे डेजर्ट में घूम रहे हैं, मोर को घूमने की हरियाली नहीं मिल रही है, और हरियाली सिर्फ एक ड्रीम बन के रह चुकी है। तो इस थीम के ऊपर मेरे सारे पेंटिंग्स और मेरा आर्टवर्क होता है। और ये दूसरा आर्टवर्क, इट्स अबाउट अ हॉर्स, इट्स अबाउट अ विल पावर, इट्स अबाउट कि कोई भी कॉन्फिडेंस ला के कोई भी काम करने के लिए। एंड मेरा एक और आर्टवर्क है उधर राधे कृष्णा का, सो आई मोस्टली डू स्पिरिचुअल आर्टवर्क एंड आई डू आर्टवर्क ऑन नेचर। क्या कहना चाहेंगे? तो मनमोहन जी का हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता है हर साल की तरह। लास्ट ईयर ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर साल उनके इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ। और वो आर्टिस्ट को, पेंटर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी आर्ट सेल कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी मनमोहन जी को, एंड थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स फॉर द लवली इवेंट, फॉर अवर आर्ट एग्जीबिशन, एंड हर साल की तरह इस साल भी आई होप इट्स अ गुड ईयर। गुजराती में हिंदी मैं अहमदाबाद से बेसिकली हूँ, एज ए आर्टिस्ट हूँ। और ये मैंने पेंटिंग जो किया है ओम की थीम ऊपर, शिव और पार्वती के रिलेटेड, और ब्लैक एंड वाइट मेरा थीम है, तो उसमें उनको मनमोहन जी ने बहुत सपोर्ट दिया है, बोले आप एक बार आओ मेरा मुंबई में, एक बार आप शो करो तो आपको पता चलेगा कौन सा कैसे है। और ये जो पूरा ग्रुप है बहुत अच्छा है, और सबका काम बहुत बढ़िया है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया सब। गुप्ता कुमार एंड आई एम हेयर फॉर दिस एग्जीबिशन पर्टिकुलरली ऑल द वे फ्रॉम ओमान। सो हम भारतीय हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत ही आज अपने को प्रिविलेज और खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि मुझे सिमरोजा गैलरी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस गैलरी है ब्रिज कैंडी पे, उसमें अपनी दो एग्जीबिशन के जरिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। सो एज़ यू कैन सी आई एम अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, इट्स इज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी, आई हैव एग्जीबिटेड ऑल ओवर वर्ल्ड। मैंने रशिया में, ओमान में, इंडिया में, ललित कला अकेदमी में, अभी मेरी लास्ट दिसंबर में सोलो एग्जीबिशन थी, दुनिया भर में किया है, और सैकड़ों मेरी जॉइंट एग्जीबिशन हुई है। और मैं पोएट भी हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, तो मेरी कई बुक छप चुकी हैं, और एक बुक आने वाली है होम क्वारंटाइन, जिसमें मेरी हर पेज पे कविता भी है, और होम क्वारंटाइन जब मैं खुद थी उसकी चित्रकारी है, 80 पन्नों की या 40 पोएम है उसमें, वो भी आने वाली है। यहाँ मैंने दो पेंटिंग्स देखिए दर्शाई हैं, जो कि मैंने सोल की जर्नी को डिपिक्ट किया है एज ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इस मिक्स मीडिया आर्ट, आई हैव यूज सैंड एंड जेसो, एंड जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो पूरा मैंने हाथ से बनाया है।
सो यस, अभी तो टाइम हो गया है एंड आई एम एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑल्सो. आई टीच इन वहाँ पर एक बहुत फेमस आर्ट सेंटर है मेन कंपनी का, उसमें मैं 15-20 साल से सिखा रही हूँ, एक्रेलिक टेक्निक सिखाती हूँ. तो बस अपने को ये नया मेरा ही इनोवेशन है, दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन जो मैंने जिस तरह से आर्ट बनाई है, हाथ से बैकग्राउंड और जैसो और सैंड लगाया है. और इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोल की जर्नी दिखाई है कि सोल की जर्नी, इसका नाम है वर्लपूल 1 एंड 2. सो हमारे जो सोल है वो बहुत ही भंवर के बीच में घूम रही है. भंवर किसके? हमारे इमोशंस के भंवर, कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. हमें पता है हमें सच बोलना है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम उस भंवर से उभर नहीं पा रहे हैं. तो आप जो देख रहे हैं सोल की जर्नी, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर्स ऑफ स्प्रिंग हमारा एग्जीबिशन का थीम है, उसके ऊपर है. तो ये आप दोनों में देखते हैं कि जो सोल की जर्नी है, इसमें देखिए सारे जो भंवर मैंने हाथ से बनाए हैं उसके बीच में हम घूम रहे हैं. अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हमें पता है सच बोलना है लेकिन हम झूठ बोलते हैं. तो हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं, इमोशंस के भंवर हैं, सच पाप पुण्य के भंवर हैं, उससे हम उभर नहीं पा रहे. अगर उभर जाए तो हमें, हमारी सोल को तो मोक्ष मिल जाएगा. तो वो मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट के थ्रू दिखाया है. थैंक यू सो मच. मैं जसवाल जी की आभारी हूँ, वो मिस्टर प्रकाश हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट यहाँ के, उन्होंने प्रकाश बाल जोशी, वो हमारे ओमान में आए थे, उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया जसवाल भाई से. और कई बार उन्होंने एग्जीबिशन की इनवाइट किया, बट मैं चाहती थी मैं खुद आऊँ तब एग्जीबिट करूँ. सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड मेक इट दिस टाइम. एंड दिस इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ अमेजिंग एंड आई एम स्टेइंग विद हर, शी स्टेज इन पैडर रोड. तो वैसे इनका रियल बंगला घर के सामने ही है, यहाँ गैलरी के सामने ही है. तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर एंड टू बी अ गेस्ट ऑफ हर. शी इज़ आर्ट फैन, आर्ट लवर एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट सो मेनी बुकेज विद सच आर्ट लवर्स एंड पीपल हु लव माई आर्ट. सो एंड लवली पीपल अराउंड एंड वेरी गुड आर्टिस्ट, ऑल आर्टिस्ट आर सो गुड एंड very friendly atmosphere. So thank you so much. जी कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके से ये कलाकारों को? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. मैं मनमोहन जायसवाल जी के साथ में पहले से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी उनकी मैंने एग्जीबिशन की हैं और अभी कलर्स ऑफ स्प्रिंग 20th एग्जीबिशन सिमरोजा आर्ट गैलरी ब्रिज कैंडी मुंबई में यहाँ पर आयोजन रखा गया इसका. और ये एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें देश विदेश से और भारत से काफ़ी आर्टिस्टों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ. मैंने भी यहाँ पे एज ए चित्रकार मूर्तिकार बतौर कलाकार मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है. और ये मेरा काम है, ये मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ थ्रू अ मास्क. जैसे चेहरे के ऊपर एक चेहरा होता है, जैसे हम किसी से मिलते हैं बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि हम फर्स्ट टाइम में नॉन नहीं हो पाते हैं, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात बढ़ती रहती हैं तो वो एक जो पीछे का चेहरा है वो हट जाता है, नकाब हट जाता है. तो जिस इज़ द थ्रू ऑफ मास्क, मतलब चेहरे के नज़रिए से हम दूसरे को देखते हैं. ऐसे ही मेरा एक कपड़े की सीरीज पे काम चल रहा है, पीछे है वो दो काम मेरे. तो क्या है, कपड़ा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कपड़े का हमारी लाइफ के अंदर. और कपड़े नहीं हो तो क्या हो, अमूमन सब लोग सब नंगे ही दिखाई देंगे. तो कपड़े में भी बहुत सारी वैरायटी हैं. तो जैसे जैसे कपड़े की शुरुआत हुई, अभी क्या ना जितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर ना बढ़ रहा है और कपड़ों में भी उतनी ही, मतलब डेफिनेशन उसकी चेंज हो गई है, बहुत सारे फैशन उसमें आता जा रहा है. फटा है तो बेहतर है, अभी ऐसा हो गया है. और जितना ज़्यादा कपड़ा फटा हुआ है तो उतना ज़्यादा महंगा भी होगा. वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ब्रांड सब कपड़ों को क्या अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर रही हैं. तो मेरा भी कुछ ऐसे कपड़ों के ऊपर पैटर्न चल रहा है और कपड़े के अंदर सब लोग लिपटे हुए हैं. एक छोटा सा कपास से निकला हुआ रुई, रुई से बनने वाला धागा और धागे से बनने वाले अलग अलग तरीके के थान और थान से बनने वाला डिफरेंट टाइप का कपड़ा और कपड़ों से होने वाली कटिंग, जो आपका शर्ट पैंट टी शर्ट अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं. तो शुरुआत एक छोटे से कपास से होती है और देखो कहाँ तक चली जाती है. तो मनमोहन जायसवाल जी बहुत अच्छे एक क्यूरेटर एज ए ऑर्गेनाइज़र, आकृति आर्ट फाउंडेशन एज ए डायरेक्टर, और काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो काफ़ी सालों से वो इस तरह का आयोजन रख रहे हैं पेंटिंग एग्जीबिशन, और उसमें बहुत सारे देश विदेश से कलाकार आते हैं भारत के मुंबई के और पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कला को लेकर. तो लोग वो आते हैं उसमें देखते हैं, बायर्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, तो सब लोगों के काम को सराहा जाता है, उसमें सोल्ड भी होते हैं. लास्ट टाइम मेरा कुछ काम 6 वर्क मेरे सोल्ड हुए आकृति आर्ट फाउंडेशन मनमोहन जायसवाल जी की तरफ से. तो अच्छा लगता है कि काम सेल होता है और हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मैंने आयोजन तैयार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं. तो मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर भी हूँ, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और रिसेंटली मेरा एक मूवी खुदाई अभी ऑल इंडिया रिलीज़ हुआ सिनेमा हॉल में और मुंबई में यहाँ गैडी गैलेक्सी में रिलीज़ था और भी सिनेमा हॉल में रिलीज़ था, और जिसमें मैंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है. तो
अभी मेरा 8 मूवी ऑफिशियली रिलीज है OTT चैनल थिएटर और आपका PTC पंजाबी चैनल पर। तो फर्स्ट ड्रीम गर्ल में अभी था, एक मेरा छोटा सा करेक्टर था और डरपोक एक मेरा एज ए लीड रोल Amazon UK पर चल रहा है और अभी वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के चैनल YouTube पर भी आप देख सकते हैं डरपोक मूवी, जिसमें मैं लीड एक्टर हूँ। और काफ़ी फिल्में हैं जिसमें मैं मुख्यतः मैं खलनायक की भूमिका में नज़र आता हूँ। मैं तो मेरा लुक ऐसा है और देखिएगा वो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मेरी पेंटिंग का नाम है द गॉड ऑफ थ्री पिलर्स और ये पेंटिंग है क्वीन ऑफ द डिज़ायर। और हमारे मनमोहन सर ने बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन किया है, ये मेरा मुंबई में पहली बार है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कितने सालों से? आई थिंक 15 साल। तो मनमोहन जी के इस इवेंट को लेके क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आपको ये? मुझे तो सर ये सब कुछ नया ही लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, उसका एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। तो मुंबई में पहली बार है? किसके पहले? नहीं, मेरा पहली बार है मुंबई में। थाने में रहता हूँ। मैंने 1986 में मैंने आर्ट मास्टर किया है सर जीजस स्कूल ऑफ आर्ट से और मैं उसमें पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट रह चुका हूँ। और ये मौका मुझे जो मिला है एग्जीबिशन का, ये पेंटिंग का, तो हमारे मनमोहन जायसवाल जी जो है तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैं बहुत ही उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तरफ से, उनके कारण मुझे ये चांस मिला है यहाँ पर पेंटिंग डिस्प्ले करने का। और मेरी जो पेंटिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से मैंने बनाई है और मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। और प्लस मैं क्वांटिलिज्म मेथड से भी बनाता हूँ, जैसे कि मेरी ये बीच वाली पेंटिंग है ये क्वांटिलिज्म मेथड से मैंने बनाई है। और बाकी जो है वो वाली और यहाँ पर जो है तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बनाई है। आपकी पेंटिंग जो है वो क्या मैसेज दे रही है? मेरी पेंटिंग जो है मतलब एक बहुत ही नए स्टाइल से, क्योंकि सभी लोग रियलिस्टिक बनाते हैं और क्रिएटिविटीज में कुछ भी नहीं आती, रियलिस्टिक जो है ऐसे कैमरा भी कैच कर लेता है फोटो, तो मैंने थोड़ा सा हटकर उसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट में बनाने की कोशिश की है। अगर इस प्रकार से भी लोग काम करेंगे तो अच्छा है। जैसे हमारे हुसैन साहब जो है उन्होंने भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही बनाई है, तो मेरा ये जो है मैंने फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट बनाई है और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत कूल कलर्स का उपयोग किया है, प्रयोग किया है मेरी पेंटिंग में। बस इतना सही है। सवेरे मैं बॉम्बे से हूँ और ये मेरे पीछे जो है ये मेरा आर्ट्स है और मैंने काफ़ी बार मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह मिले। तो अभी मैं मिस्टर मनमोहन जायसवाल के साथ में पार्टिसिपेट मोस्टली करता हूँ और ये अभी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट है, चालू है, तो उसमें आए हैं और ये पार्टिसिपेट किए हमने और थैंक यू वेरी मच। Women centric because I love drawing women figures and expressions and I thought of painting Egyptian because I'm fascinated with I get fascinated with Egyptian culture and that's what I wanted to put in my paintings or epic the Egyptian era and, और मैं 2013 साल से मैं सोलो एग्जीबिशंस करती है। मैं मेला नेहरू सेंटर में 4-5 बार हुआ है, बोरीवली में हुआ, बहुत साल मैं पेंटिंग्स कर रही हूँ सोलो में, कभी कभी पार्टिसिपेट भी करती हूँ, ये ग्रुप में पार्टिसिपेट मैंने किया है। और ये मैंने ऑयल पेंटिंग में किया है, स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन है, रेड ट्रेन है, और ये वाटर कलर में स्ट्रीम किया है,
ऐसा मेरा ये चल रहा है और मैं चारकोल में भी करती हूँ, मैं पोर्ट्रेट करती हूँ सेलिब्रिटीज का, ऐसा सब है। और वाटर कलर में भी पोर्ट्रेट करती हूँ, कोई सेलिब्रिटीज होगा तो उनका मैं पेंटिंग करती हूँ। एग्जीबिशन के लिए क्या करना चाहिए? मनमोहन जी ने हम लोगों को ये दिया है करने को इधर, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब ग्रुप में बहुत हम लोगों को फायदा होगा कि सब लोग आके इधर देखेंगे तो सब लोगों के सामने हमारा एडवर्टाइज हो जाएगा पेंटिंग का। मेरा नाम वर्षा चंडावत है और मैं बेसिकली एक्लेरिक पे और जो रियलिस्टिक वर्क होता है उस पर ज़्यादा काम करती हूँ। और जो मैं जो मेरे ऑब्सेशंस होते हैं ना वो पेंटिंग्स में मैं निकालती हूँ, जैसे कि ये राधा कृष्ण का है वो मेरे ऑब्सेशन है, फिर ये पोर्ट्रेट है जो सॉरी लैंडस्केप है वो भी मेरे ऑब्सेशंस है, सो उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ। ही इज़ वेरी गुड पर्सन, उन्होंने ऐसे हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर और उनकी अपॉर्चुनिटी देने के चलते मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली हुई। आई एम रुजू परीख, आई कम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। बेसिकली मैंने मनमोहन जी के साथ 2015 में आई हैव डन अ शो ऑन, वो बहुत अच्छा रहा था शो एंड नाउ आई एम पार्टिसिपेटिंग अगेन। माय थीम इज बॉन्डेज इन फ्रीडम दैट ऑन ह्यूमन एंड नेचर हाउ दे कनेक्ट, जैसे मनमोहन जी ने हम सबको कनेक्ट करके रखा है। एंड मोज़ेक आई हैव यूज्ड जो जिससे शाइन और हमारा सोल को बहुत वो थ्राइव्स देते हैं, सो आई हैव यूज्ड मोज़ेक एंड टाइल्स ऑन माय एक्रेलिक पेंटिंग एंड द सब्जेक्ट इज ह्यूमन एंड नेचर। थैंक यू। ग्रुप है, प्रिंस है जय, सोनू जी, प्रीतम जी, इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने सभी कलाकार को और हम जो आए हुए गेस्ट और चीफ गेस्ट उन सबको इस कैमरे में कैद किया है और हमारा इधर आना आपकी वजह से एडवर्टाइज में आगे बढ़ेगा और सार्थक होगा। हम आपका सभी मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं लीना चोपड़ा।